आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज दुनिया भर में हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल ये दिन जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन लोगों को हेपेटाइटिस से जुड़ी सारी चीजों की जानकारी दी जाती है, उन्हें जागरूक किया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि इस दिन को जो है अमेरिकन जर्नलिस्ट बरूथ सैमुअल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण रिसर्च किए हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि हेपेटाइटिस जो है वो लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें लीवर के जो टिश्यूज है उनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं और अगर इसका इलाज सही ढंग से नहीं किया जाए तो आगे चलकर ये कैंसर जैसे भयानक बीमारी का भी रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में आज इस खास दिन पर आइए थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस बीमारी है क्या और क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। क्या है हेपेटाइटिस? आपको बता दें कि हेपेटाइटिस जो है वो लीवर की ही सूजन है। इसमें लीवर की कोशिकाओं को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको बता दें कि इस वायरस के 5 स्ट्रेन होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई होता है, जिसमें से हेपेटाइटिस ए और ई संक्रमित खानपान के वजह से लोगों में होता है, तो वहीं हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वजह से लोगों में पाया जाता है। वहीं हेपेटाइटिस सी अगर किसी को संक्रमित खून चढ़ा दिया जाए यानी संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से हेपेटाइटिस सी होता है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो हेपेटाइटिस डी होता है, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है उन लोगों को ही हेपेटाइटिस डी होने का भी काफी ज्यादा चांसेस होता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बी के वजह से दुनिया भर में काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। क्या है हेपेटाइटिस के लक्षण? अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस की परेशानी है तो उसके आंखों का रंग पीला हो जाएगा, साथ ही उसके त्वचा का रंग भी धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, साथ ही उसके मूत्र का रंग भी ज्यादा पीला नजर आएगा। इसके साथ ही उसके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की जो परेशानी है उसे आमतौर पर देखी जा सकेगी। ऐसे में आपको बता दें कि इसके साथ साथ उस व्यक्ति को उल्टी आएगी, उस व्यक्ति के पेट में दर्द होगा, उसे बुखार आएगी, भूख कम लगेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी लक्षण हैं अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस की जैसी गंभीर बीमारी है तो। हेपेटाइटिस से बचाव के क्या उपाय हैं? सबसे पहले आपको अपने साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अपने खान पान का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है कि आप कोई भी दूषित खाना या पानी ना खाएं। इसके साथ ही अगर आप किसी का टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं या फिर खुद का ही टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर आप कोई भी अलग बीमारी की दवाई ले रही हैं तो ऐसे में आपको अपने लीवर का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपको शराब, धूम्रपान जैसी चीजों से भी परहेज करना है। साथ ही नियमित आपको व्यायाम करने हैं, नियमित एक्सरसाइज करने हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर जो है स्वस्थ बना रहेगा। इसके साथ साथ आप अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें दूसरे को ना दें, खासकर जैसे रेजर होती है, जो कोई भी चीज जो डायरेक्ट आपके स्किन के कांटेक्ट में आती है, वैसी चीजों को दूसरे के साथ शेयर करने से बचे। इसके साथ साथ अगर आपको टैटू बनाना है और आप टैटू बनाना पसंद करते हैं तो ऐसे में इस चीज का खास ख्याल रखें कि जो व्यक्ति आपका टैटू बना रहा है वो स्टेरिलाइज्ड नीडल का इस्तेमाल ही कर रहा हो। इसके साथ साथ सुरक्षित शारीरिक संबंध बनाएं और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपना जो टूथब्रश है वो भी किसी के साथ आप शेयर ना कर रहे हो। इसके साथ साथ 2-3 और चीजें हैं जिनका आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है और वो ये है कि अगर कोई भी आपको मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर की तरफ से तो उसका ओवरडोज ना ले। और आपके वजन जो है, आपके वजन आपके शरीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, तो ऐसे में आपको अपने वजन को नियंत्रित करके रखना है, इसका पूरा ध्यान रखना है। इसके साथ आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। आपको बता दें कि आप अगर हेपेटाइटिस की बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन वाले फूड लेने होंगे, खासकर ऐसे फूड जैसे खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीजें, ओट्स वगैरह आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हरी सब्जियां और फ्रूट्स का भी अमाउंट अपने डाइट में बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसके गुण से तो आप वाकिफ ही हैं कि इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखेंगे और शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी स्वस्थ बने रहेंगे। इसके साथ साथ ही आपको कुछ ऑयल्स हैं जिनका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ज्यादा ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं। और कुछ ऑयल जो रिकमेंड किए गए हैं वो ऑयल्स है ऑलिव ऑयल, कैनेला ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल्स। तो इस ऑयल्स का आप इस्तेमाल अपने खान पान में कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने विस्तार से जाना कि किस तरीके से हेपेटाइटिस जैसी बीमारी से बचा जा सकता है, वो भी अपने खान पान को नियंत्रण करके। और इसके साथ ही आपने ये भी जाना कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर किसी को भी आपके आसपास ऐसा लक्षण दिखता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से अपने संपर्क करें। और इसी के साथ आपने जाना कि किस तरीके से, किन उपायों के जरिए इससे बचा जा सकता है, तो उन उपायों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हेल्दी और फिट बनाए रखें। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें।
हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।